हाउ मच शुड आई इन्वेस्ट स्टॉक मार्केट में, मुझे कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप विद्यार्थी हो, पढ़ते हो, तो आपको क्या करो, मैं आपसे कहूंगा कि आप हर महीने 1000 रुपया लगा दो, पॉकेट मनी में इतना तो मिलता होगा, ठीक है। चलो हर महीने 1000 रुपये, या हर महीने अगर किसी को और भी कम पॉकेट मनी मिलती है, भाई ऐसा मान लो कि एक दिन में 100 रुपया तो आपको मिलता होगा पापा से, तो इस हिसाब से आपको 3000 रुपया मिल जाता है। आप उसमें से 1000 रुपया इन्वेस्ट कर दो। इसके लिए डीमैट अकाउंट होना चाहिए, खुलवा लो, काम आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हर महीने 1000 रुपया लगाओ, ठीक है। इस हिसाब से अगर देखोगे तो ईयरली आप 12000 रुपया, अब एक साल के अंदर 12000 रुपया आपका लग जाएगा शेयर मार्केट में। और हमेशा कोशिश करो कि हर साल आप 10% बढ़ाते रहो। अगर एक पिछले साल अगर आपने 12000 लगाया, 10% बढ़ा दो, फिर आप अगले साल कोशिश करो कि मैं 13200 लगाऊंगा, हर बार 10% बढ़ा के लगाओ, फिर अगले साल 14500 लगाऊंगा, फिर अगले साल 15972 रुपये लगाऊंगा, ऐसे करके हर बार अपने जो पैसे हैं हर साल बढ़ाते रहो। और वेट करो अच्छे समय का, जब मार्केट बूम पे होगा, आप अगर अच्छे शेयर खरीदो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। अगर स्टूडेंट हो, देखो एक बात याद रखना, कंपाउंडिंग की पावर बड़ी गजब होती है। आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर आप ये काम करते हो जो मैं बोल रहा हूँ, ये इतना सा पैसा अगर आप 10 साल के लिए लगा, अब काउंट कर लो, अब 10 साल के लिए अगर यही पैसा लगा रहे हो, 12000 13000 14000 15000 ओन एन एवरेज काउंट कर लो 15000, और अगर आपने 10 साल, एक साल में मान लो ओन एन एवरेज 15 साल लगाए, 15000 लगाए, 10 साल में कितने हो गए 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख आपका 1 करोड़ रुपए में भी बदल सकता है अगर आप 25 साल रुक जाओ तो, इसी पैसे को होल्ड करके रखो तो। ये कैलकुलेशन आप SIP कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। आप जस्ट गूगल पे लिखो SIP कैलकुलेटर और उसमें आप डालो आप कितना पैसा लगा रहे हो कितने साल के लिए, तो आप रिटर्न देख के हैरान रह जाओगे। और ये सच है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 1.5 लाख लगाया था। जितना रुकोगे पैसे उतना ही कंपाउंड होते चले जाएंगे, लोगों ने होते देखे हैं। आपका वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है। मतलब अगर स्टूडेंट हो, कितने साल के हो गए आप, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, आप सोचो कि मेरे में इतनी ताकत होगी 25 साल तो मैं एकदम घुट घुट के कमा ही लूंगा, पर आप शेयर मार्केट से पैसा मत निकालना। मान लो 25 साल और आपने, तो 50 साल के हो गए आप, 50 साल में आपको 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लोगों को मिला है, बहुत अच्छा मिल सकता है, लोग करोड़ एकदम से, अगर आप ऐसा भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना चाहोगे तो यही पैसा 1 करोड़ रुपए में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर 25 ईयर्स, अगर आपको 20% के रिटर्न या 15% के रिटर्न मिले तो।